अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। कचरा शुल्क के पैसे जमा करते हैं अभी नगर निगम? करते हैं, हर महीना करते हैं। महीने में कितने दिन गाड़ी आ रही है आपके वहाँ? महीने में मुश्किल से यार दो दिन आए, तो आए नहीं तो कभी एक ही दिन आए। इसकी शिकायत नहीं करी थी आपने पहले कभी? बहुत लोगों ने करा है। क्या बोल रहे हैं आपको? वो बोल रहा है कि करवा देंगे, हो जाएगा करते हैं, सात दिन देते फिर आते नहीं। अभी कल ही आया तो उनको बोला कि गाड़ी आपके क्यों नहीं आ रहा, ड्राइवर को बोला तो उसने बोला कि आएंगे। उसके बाद फिर आज बहुत मुश्किल से आया, कल नहीं आया, परसों नहीं आया, बीच बीच में आते, कभी आता ही नहीं, गायब रहता। ठीक है, आपका नाम? राम राय।
देवास नगर निगम जो कि भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुकी, जिसके कारण पिछले दो वर्षों से देवास की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। जिसे महापौर चुनकर देवास की जनता ने नगर निगम में पहुंचाया, वह घर पे सो रहे हैं। उनका ध्यान देवास की जनता की ओर नहीं है। वार्डों में विकास नहीं हो रहे हैं, वार्डों में स्वच्छता नहीं हो रही है, वार्डों में लाइट नहीं लग रही है, वार्डों में सड़क नहीं बन रही है, वार्डों में सफाइयाँ नहीं हो रही हैं। इसको लेकर आज कांग्रेस पार्षद दल हम सभी ने मिलकर एक सद्बुद्धि यज्ञ रखा, जिसमें महापौर जी को सद्बुद्धि देने के लिए और इस भ्रष्टाचार में जो लिप्त हैं अधिकारी, उनको सद्बुद्धि देने के लिए हमने यहाँ पे यज्ञ किया है। और हमने इस यज्ञ में आहुति दिए कि भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे कि वार्डों में विकास हो, वार्डों में सड़क बने, वार्डों में गार्डन बने, वार्डों में लाइटें लगें, आम जनता का भला हो। बोली वाली जनता से जब आपने वोट लिया था तो आपने बहुत सारे वादे किए थे महापौर जी, परंतु आज आपकी स्थिति इतनी सुस्त और इतनी दयनीय क्यों है? आप बोलते हैं कि वित्तीय स्थिति खराब है, वित्तीय स्थिति खराब क्यों है? आप एक बार भोपाल गए, आप एक बार दिल्ली गए पैसे मांगने के लिए, गडकरी जी के पास जाते हैं, आपके मंत्रियों के पास जाते हैं, आपके मुख्यमंत्री के पास जाते हैं, क्यों नहीं गए आप? बोलते हैं वित्तीय स्थिति खराब है, आप खुद निष्क्रिय हैं, या तो आप इस्तीफा दे दें या देवास की जनता के विकास की ओर बात करें, अन्यथा कांग्रेस पार्षद दल चक्का जाम भी करेगा, उग्र आंदोलन भी करेगा और नगर निगम का घेराव भी करेगा। महापौर पे एक आरोप भी लगाया पार्षद दल के, उनके ही पक्ष के पार्षदों पे एफआईआर हुई। हाँ, उनके पार्षदों के खिलाफ एफआईआर कराने का काम वो कर रहे हैं। उन्हें नगर निगम में ना देवास की जनता का विकास की ओर उनका ध्यान नहीं है, उन्हें सिर्फ किसी न किसी के ऊपर एफआईआर कराना, किसी न किसी को परेशान करना और वार्डो में निष्क्रियता से काम नहीं होने देना, ये उद्देश्य लेके वो महापौर बनकर आए हैं। कौन पार्षद है जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज करी, बता सकते हैं? उनके भाजपा के पार्षद हैं, आप लोग सभी जानते हैं। अभी आज यहाँ पे कितने पार्षद बैठे हुए हैं यहाँ पे कांग्रेस के? हाँ, यहाँ पे कांग्रेस के कितने पार्षद यज्ञ में बैठे हुए हैं आज? हम सभी आठों पार्षद थे, कुछ अभी हैं, कुछ अपने काम से गए। ठीक है, आपका नाम? राहुल पवार, पार्षद एवं नेता प्रतिपक्ष प्रतिनिधि देवास नगर निगम।